भारत बायोटेक की वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के नतीजे सामने आ ही गए हैं। कोरोना पर वैक्सीन 77.8% प्रभावी है। यही नहीं, वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी 65.2% असरदार है। भारत की देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल अब पूरा कर लिया है और इसके नतीजे भी जारी कर दिए हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कहा है कि उसने कोवैक्सीन के लिए फाइनल फेज 3 के डेटा का विश्लेषण कर लिया है और उसकी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीजों और डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर भी असरदार पाई गई है। भारत बायोटेक द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक फाइनल चरण के ट्रायल में कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाई गई। वहीं दुनिया भर में नया टेंशन देने वाला खतरनाक डेल्टा वेरिएंट, उसके खिलाफ भी टीका 65.2% असरदार पाया गया है। प्री प्रिंट डेटा का हवाला देते हुए भारत बायोटेक ने कहा कि उसकी कोवैक्सीन सिम्टोमेटिक कोरोना मरीजों के खिलाफ 77.8% कारगर है। वहीं कोवैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीजों के खिलाफ 93.4% प्रभावी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% वैक्सीन काम करेगी। भारत बायोटेक ने 130 कोरोना के पुष्ट मामलों पर ये ट्रायल किया है। अपने अंतिम चरण के डेटा विश्लेषण के मुताबिक कंपनी ने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीजों के खिलाफ कोवैक्सीन 63.6% असरदार है। भारत बायोटेक के मुताबिक कोवैक्सीन का ट्रायल देश के 25 अलग अलग अस्पतालों में किया गया था। इसमें करीब 25,800 वॉलंटियर्स शामिल हुए थे जो 18 से 98 वर्ष की आयु वर्ग के थे। तीसरे चरण के ट्रायल में भाग लेने वाले लोगों को कोवैक्सीन की दोनों डोज दी गई, यानी प्लाज्बो दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले स्वदेशी टीके को अमेरिका ने भी असरदार माना था। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाया था कि कोवैक्सीन में शरीर से बनने वाली एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कारगर हैं। कोवैक्सीन को लेकर WHO में उसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन अब तीसरे चरण का ट्रायल डेटा जारी होने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही कोवैक्सीन को भी WHO से हरी झंडी मिलेगी और विदेशी यात्रा को लेकर जो एक रोड़ा अटका था वो भी जल्द दूर होने की संभावना है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने बनाया है। वहीं अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बताया कि कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड में सीरम के अध्ययन से पता चला है कि टीके से जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वह ब्रिटेन और भारत में सबसे पहले मिले कोरोना के B1117 और B1617 वेरिएंट्स के खिलाफ असरदार है।